आज हम स्वामी जी व्यक्तिगत स्तर की बात करते हैं, सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आते हैं कि हम व्यक्ति का कैसे सुधार करें। हमने ग्लोबलाइजेशन की बात करी, राष्ट्र की बात कही, प्रदेश की बात कही, गांव की बात कही, तो हम थोड़ा व्यक्तिगत स्तर पर आते हैं। देखिए, व्यक्ति सुबह उठने से शाम को सोते समय, आज का व्यक्ति नकारात्मक भाव से इतना ओतप्रोत है, हर बात में नकारात्मक देखता है, दूसरे के दोष देखता है, दूसरे की गलती निकालता है, अपने दोषों का रक्षण करता है, और उसके बाद में जो है अपना हक जमाता है, और मैं ही बड़ा हूं ये बात करता है। सबसे बड़ी तकलीफ है वो ईगो को सामने लाता है। तो कुल मिलाकर के 24 घंटे व्यक्ति जब नकारात्मक भाव में रहेगा तो सुखी रहने का प्रश्न ही नहीं है। सारी उसकी जो विटालिटी, प्राण ऊर्जा तो उसी में खत्म हो जाती है। तो आप अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को सुधारिए कि व्यक्ति किस तरीके से अपनी नकारात्मक सोच को बदल करके सकारात्मक सोच में आए। धन्यवाद प्रश्न के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति से ही समाज बना है, राष्ट्र बना है, धर्म बना है और विश्व बना है। तो व्यक्ति सेंटर पॉइंट में है। बिना व्यक्ति न समाज होता है, न राष्ट्र होता है, न धर्म होता है, न विश्व होता है। तो पूरे विश्व में सेंटर पॉइंट है इंसान, और इंसान की जब सोच बदलेगी, इंसान की जब दृष्टि बदलेगी, इंसान की ये संसार में पाने के लिए जो कुछ गलत रास्ता अपनाते हैं वो दृष्टि बदलेगी, तभी ये राष्ट्र और विश्व का अच्छा निर्माण हो सकता है। आज हम देखेंगे हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे धर्म कितने महान है, कितने महान थे, और इसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी एक इंसान के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में हमारी है। आप देखो, आप इतिहास को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि भारतवर्ष के ऊपर करीब 70 साल पहले, 70 ईयर्स, आज़ादी मिलने से पहले 250-300 साल अंग्रेजों ने राज किया। उसके पहले मुसलमान राजाओं ने चढ़ाई करके यहाँ रूल किया। तो मैं समझता हूँ कि 400 और 300, 700 साल अंग्रेजों ने और मुसलमान लोगों ने राज किया, और एक कॉमन सेंस के नाते, एक सामान्य विचार के नाते हम सब एक बात को स्वीकार कर सकते हैं कि कोई भी धर्म, संस्कृति, सभ्यता और हिंदुइज्म को खत्म करने के लिए 700 साल मोर देन इनफ है। मगर हमारे पूर्वजों ने, हमारे साधु संत और सन्यासियों ने, हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे योगियों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बहुत सारे महान पुरुषों ने जो कुछ धर्म की, संस्कृति की, सभ्यता की, मर्यादा की, मानवता की, प्रेम मैत्री को जो नींव डाली थी, मजबूत नींव डाली थी, इतनी मजबूत थी कि आज 400 साल मुसलमानों ने राज किया और 300 साल अंग्रेजों ने राज किया, ऐसे 700 साल अगर धर्म के माध्यम से देखें तो मुसलमान और क्रिश्चियन लोगों ने इस देश के ऊपर रूल किया, और रूल करने के बाद भी आज आज़ादी मिलने के बाद आफ्टर 70 ईयर्स ये हमारा हिंदू धर्म फिर से पूरे विश्व में छा गया। विश्व के लोग आज हमारी संस्कृति को,
हमारी सभ्यता को, हमारी मानवता को, हमारी कुटुंब व्यवस्था को, हमारे धर्म को स्वीकार करने के लिए आगे आए, क्योंकि ये हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति की, हमारे जीवन पद्धति की ये सुवास है। मगर ये सुवास किसने डाली थी? हमारे ऋषि मुनियों ने, साधु संत सन्यासियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे महान पुरुषों ने ये विरासत हमको दिया है। आज हमारी ये फर्ज है कि फिर से यही विरासत को, क्योंकि हम आजाद हैं, गुलाम नहीं है, तो यही विरासत को और मजबूत बनाए, और पक्की बनाए, और मानवतावादी बनाए, और सुसंस्कृत बनाए, और सभ्यता वाली बनाए, और हमारे जो हिंदू धर्म की जो नींव है, हिंदू धर्म की नींव है क्या है? जियो और जीने दो, मेरे को भी जीने का अधिकार है, और दुनिया में पैदा हुए हर इंसान को और हर जीव को जीने का इतना ही अधिकार है। जियो और जीने दो, ये हमारी संस्कृति है। दूसरी संस्कृति है अतिथि देवो भव, हम हर इंसान को अतिथि के रूप में मानते हैं और उनकी एक देव के समान उसकी पूजा करते हैं। पूजा का मतलब होता है उनके साथ रिस्पेक्ट पूर्वक व्यवहार करते हैं, इज्जत पूर्वक व्यवहार करते हैं। तो आज हमारी फर्ज है यही संस्कृति को और मजबूत बनाए, यही राष्ट्र भावना को और मजबूत बनाए, यही मानवता को और मजबूत बनाए, और हमारा धर्म पूरे विश्व के लिए है, विश्व के लोगों के लिए, किसी के विरोध के लिए नहीं है, किसी को दुख देने के लिए नहीं, किसी को छोटा बताने के लिए नहीं है, और किसी के पास से कुछ ले लेने के लिए नहीं है। प्रेम मैत्री भाईचारा बढ़ाने के लिए है, इंसानियत बढ़ाने के लिए है, अपनी खुद की गलतियों को देखने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए है, अपनी गलतियों को सुधार करने के लिए है, और हो सके इतना अंतर इंसान इंसान के बीच कम होवे इसके लिए है। इसके आगे जाके हमारी जो संस्कृति है वो इंसान के आगे प्राणी पशु धरती नदी पहाड़ सूर्य चंद्र सबको रिस्पेक्ट करती है। ये हमारी संस्कृति है, और ये संस्कृति को दुनिया के सामने पेश करने की जरूरत है। ये हम सबकी फर्ज होती है कि हमारी संस्कृति महान क्यों है। हम सूर्य को भी देव मानते हैं, चंद्र को भी देव मानते हैं, ग्रह नक्षत्र को भी देव मानते हैं, हम समंदर को भी देव मानते हैं, हम नदियों को भी माता मानते हैं, हम पहाड़ों को पिता मानते हैं, और ये जो प्राणी है, पशु है, पक्षी है, सबको इतना रिस्पेक्ट देते हैं कि इनको भी इसी संस्कृति में, इसी राष्ट्र में, इसी देश में, इसी दुनिया में इसको भी इतना ही जीने का अधिकार है। तो कहने का मतलब जियो और जीने दो, ये हमारा संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है। तो ये सब बातें जो पहले थी आज धीरे धीरे लुप्त होती गई है, इसको फिर से एक व्यक्ति के रूप में उजागर करने की जरूरत है, और हर इंसान को ये सोचने की है। आपके पास समय है तो कम से कम आंखें बंद करके बैठ के इतनी तो प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, ये इंसान महान बने, देश महान बने, राष्ट्र महान बने, दुनिया महान बने, सब धर्म महान बने, धर्म गुरु महान बने, सब नेता महान बने, समाज सेवक महान बने, सभी अभिनेता महान बने, समाज के हर वर्ग की उन्नति हो, समाज के हर वर्ग जो पैसा कमाते हैं उनके अंदर सद्भावना रहे, प्रेम मैत्री रहे, धर्म धर्म के बीच मैत्री बढ़े, समभाव बढ़े, ऐसी प्रार्थना अगर हर इंसान व्यक्तिगत रूप से कम 5 मिनट 10 मिनट हर रोज समय निकाल के ये भावना करते हैं, तो मैं समझता हूँ राष्ट्र को, देश को, धर्म को, समाज को और विश्व को महान बनने में कोई समय नहीं लग सकता है। तो आइए हम सब मिलकर एक व्यक्ति के रूप में, एक पूरे विश्व की जिम्मेदारी लेके हर रोज
अपने जीवन में से 5-10 मिनट का समय निकाल के सबके कल्याण की भावना करें, सबके मंगल काम की भावना करें और सबका उत्थान हो, मानव जीवन महान बने और मानवता के अंदर जो भेद है, जो डिवीजन है, वो धीरे धीरे मिट जाए और मानवता आगे आए और धर्म तो पीछे रहे और धर्म की बातें पीछे रहे। ये व्यक्तिगत बातें हैं, मानवता आगे आए ताकि विश्व में, राष्ट्र में, हर जगह मानवता ही प्रधान रहे। तो दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है ह्यूमैनिटी, मानवता, और वही धर्म का जितना विकास होगा तो मैं समझता हूँ ये धरती पर ही स्वर्ग आ सकता है। तो आइए हम सब इस महान सृष्टि को, इस महान देश को, इस महान दुनिया को, इस महामानव को और आगे ले जाए और हम सब इतनी अच्छी तरह जिए, हमको यही लगे कि स्वर्ग यहाँ ही है।